दो महीने बाद हुई कैंटोनमेंट बोर्ड की अहम मीटिंग। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सड़कों के निर्माण व अन्य विकास के मुद्दों पर मोहर लगी। बैठक के दौरान ब्रिगेडियर व अन्य अधिकारी पार्षद उपस्थित रहे। लंबे समय से चली आ रही कैंटोनमेंट बोर्ड के अपने गेस्ट हाउस की मांग अब पूरी होने जा रही है। विपक्ष के नेता गांधी ने भी अपने कुछ सुझाव रखे और कहा कि सुझाव देना हमारा फर्ज था, मानना या न मानना बोर्ड की मर्जी। अम्बाला छावनी के कैंटोनमेंट बोर्ड में आज एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ब्रिगेडियर व अन्य अधिकारी पार्षद उपस्थित रहे। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद 27 मामलों में हरी झंडी दी गई। बता दें कि कोरोना काल के चलते दो महीने से कैंटोनमेंट बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। मीटिंग में सड़कों के निर्माण को लेकर व अन्य विकास के मुद्दों पर जोर दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपाध्यक्ष अजय बवेजा ने बताया कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड का अपना गेस्ट हाउस होगा, जिसकी लंबे समय से कवायद चली आ रही है। पानी के बढ़े हुए रेटों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 15 साल से पानी के रेट नहीं बढ़े थे, जिसको अब बढ़ाना जरूरी था। मेन बोर्ड मीटिंग में तो 27 एजेंडे थे, लेकिन 4 एक्स्ट्रा आइटम इन्होंने डाली, टोटल 31 आइटम हो गई। आमतौर पर कैंटोनमेंट को मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए टेंडर थे इसके अंदर, और बाकी जो थे दुकानों के कुछ किराया विराया माफ़ किया है, जो कोरोना की वजह से हमने किया है। बाकी एक तो मेन जो मुझे जिसमें ज़्यादा आपत्ति थी, एक तोपखाने का पूरे सिविल एरिया का एक केस था, जिसमें वाटर रेट बढ़ाने की बात हुई थी। तो पिछले ये दफ्तर का कहना था कि पिछले 15 साल से नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है ये बात ठीक है, लेकिन उसमें भी गलती मतलब कि सिविलियंस की तो नहीं है, यहाँ के लोगों के मेम्बर लोगों की तो कोई गलती नहीं है कि आप 15 साल से एक रेट बढ़ा कर बैठे हैं और आपने पीछे कुछ नहीं बढ़ाया। आप अचानक आते हैं और एकदम से आप 300 रुपये बढ़ा देते हैं, जो कि कंटोनमेंट एरिया के सिविलियंस के लिए बहुत ही न्यायचित नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि एकदम तो अतिरिक्त बोझ सिविलियंस के ऊपर इतना डाला जाए। मेरी रिक्वेस्ट तो यही थी जी, नहीं मतलब कि मैंने जो अपना देखो मुझे जो लगा अपना हक अपनी बात रखने का, तो मैंने वो अपनी बात रखी। मानना ना माना ये तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता। बोर्ड सात अलग बीजेपी के मेंबर थे, उन्होंने कोई बीच में कोई इंटरफेयर कोई नहीं बोला कि उन्होंने सबने हामी भरी यहाँ की बढ़ना चाहिए। तो फिर अकेला मेंबर होते हुए मैं भी क्या कर सकता था, जो बोर्ड का डिसीजन था वो क्लियर है। कि हमारी एक बोर्ड की साधारण रूटीन की मीटिंग थी, जो लगभग हर महीने होती है, इस बार करीब 2-3 महीने से नहीं हो पा रही थी। तो इस बार जो हम रूटीन के साल के टेंडर्स करते हैं, डेवलपमेंट के विकास के जो करते हैं, जैसे ड्रेनेज है, गलियां हैं, सड़कें हैं, उनके हमने टेंडर किए हैं आज। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास अपने कैंटोनमेंट के पास अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं था, क्योंकि पीछे हमारे माननीय मंत्री जी जो सिविल हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल अपग्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारा गेस्ट हाउस था वो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हमें सर्किट हाउस में एक जगह अलॉट की थी और उसकी एवज में हमें बिल्डिंग की 42 लाख रुपए भी दिए थे। तो आज हमने वो भी टेंडर किया है, अब हमारा अपना एक गेस्ट हाउस कैंटोनमेंट का बनकर जल्द से जल्द तैयार होता है। पानी के रेट्स ऐसा है कि किसी को भी अगर शहरी को सुविधाएं प्रदान करनी है तो कहीं ना कहीं में उसके लिए मूल्य चुकाना भी पड़ता है। आप देखेंगे कि लगभग 15 साल हो गए पानी के रेट हमने बढ़ने नहीं दिए थे। अब जब डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई और ऑडिट ऑब्जेक्शन आया, ऊपर से हमें डायरेक्शन आई, तो अपने नॉमिनल से हमने बढ़ाए हैं और लोग हमारे साथ हैं। तो